काटने, नाक काटने, हाथ काटने की बात नहीं करता है। इसलिए ऐसे साधुसंत जो इस प्रकार की बयानबाजी से बहुत दूर हैं, मैं उन सब का सम्मान करता हूं, लेकिन जो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं वो आतंकवादी अपराधी हैं, वो साधु संत कभी नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से एक मंडलाध्यक्ष है जिन्होंने बयान दिया है, भाजपा के मंडलाध्यक्ष हैं, बयान दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता मारने वाले के लिए 51,000 रुपए का इनाम। इस तरीके से एटा राजारामपुर का है, कासगंज का। इसी प्रकार से हिंदू जागरण ने स्वामी प्रसाद मौर्य को जूते चप्पल से पीटने की धमकी दी। इसी तरीके